जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग एक चीज ज्यादा फील करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो ये वीडियो के एंड तक आपका स्ट्रेस जरूर खत्म हो जाएगा। ये कहानी है दो लोगों की, दो स्टूडेंट्स की। जनरली मैं काफी सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ, लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो गॉट सम रैंक एज वेल। तो मैंने दो स्टूडेंट्स की एक जर्नी दे नोटिस की। एक पहला स्टूडेंट था जो काफी एक्साइटेड था एग्जाम के लिए। जब मैं उससे बात किया 3-4 महीने पहले, तो बोला सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट जब एग्जाम पास में आती थी तो वो हमेशा ना स्ट्रेस में आ जाता था। कारण ये था कि उसको लगता था कि क्या वो निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, राइट? उसको ये स्ट्रेस होता था कि क्या मैं एग्जाम में रिकॉल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दिस वाज द स्ट्रेस, राइट? और जब भी मैं उससे बात करता था वो हमेशा यही चीज बोलता था, सर मेरे को एग्जाम में रिकॉल होगा कि नहीं, सर मैं क्या अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट था वो थोड़ा सा चिल रहता था, वो ये ज्यादा नहीं सोचता था कि सर मैं क्या एग्जाम में निकाल पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं एग्जाम में कैसे कर पाऊंगा कि नहीं। वो ये चीज करता था जरूर कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ ना उसका अपना 100% दूं, और आगे का जो फ्यूचर है वो जो होगा वो देख लेंगे। पेपर इजी आएगा तो इजी आएगा, टफ आएगा तो टफ आएगा, जो आएगा सबके लिए आएगा। वो सिर्फ अपने आप को यही चीज कहता था। आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि किसके ज्यादा चांसेस है पास होने के, फर्स्ट और सेकंड? कौन सा पर्सन इजीली पास हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन? अगर आपको आंसर मिल गया ना, तो आप कौन सी कैटेगरी में बैठते हो? आप बहुत सारे लोग हैं ना फर्स्ट कैटेगरी में जाके बैठे, जहां पे आप सोचते हो सिर्फ कि सर पेपर टफ आया तो क्या मैं एग्जाम में रिकॉल कर पाऊंगा कि नहीं, सर मेरा कैसे स्ट्रेटेजी प्लान बनाओ। देखो स्ट्रेटेजी प्लान का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया 1.5 डेज का। एग्जामिनेशन के डेज पे कैसे परफॉर्म करना, उसके लिए तो हम बैठे हैं, डेली आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं, राइट? तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं ना कि भाई मैं एग्जाम में फोड़ूं, तो उसका एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा उसूल है, और वो ये है, डू व्हाट द बेस्ट पर्सन हैव डन, एंड व्हाटएवर द बेस्ट पर्सन हैव डन, व्हाटएवर द गुड पीपल हैव डन, दोज़ हू पास्ड द एग्जाम इज दे हैव सिंपली नंबर वन डन देयर रिवीजन वेल, नंबर वन, आर यू ऑन अ ट्रैक, टिक मार्क। सेकंड, दे हैव 1.5 डे स्ट्रेटजी रेडी विद देम, डू यू हैव अ 1.5 स्ट्रेटजी रेडी विद देम, टिक मार्क। इफ यू हैव, वेल एंड गुड, नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। नंबर थ्री, they do not think and worry about what is going to be a future outcome, they think what they can do best now, teesri cheez, and the fourth and the most important thing, they care about the people around whom they love and they ensure that their dreams are going to be fulfilled. Why? Because many a times you feel like sir main pad raha hu but iska kya outcome milega, kya main future mein kabhi direct taxation karne wala hu, nahi karne wala hu, mujhe nahi pata, right? Itna mat socho. हर चीज इंसान अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, कुछ चीजें इंसान को करनी पड़ती है, बिकॉज वो जर्नी, वो गोल जो आपने सोचा ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, जो मैं कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, सीएमए बनूंगा, जो भी आप सोच रहे हो, वो जर्नी जब इंसान अचीव करता है ना, उसके मजे कुछ और है। जब आप ये वीडियो देखते हो ना, मैं बताऊं मैं डेली मोटिवेशनल वीडियो क्यों डाल रहा हूं, जब आप ये वीडियो लिखते हो और जब कमेंट करते हो ना कि सर अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता है यार, अगर करना ही होता तो डेली मोटिवेशन वीडियो में प्रमोशन ही करते रहते, कुछ प्रमोशन नहीं करते। ओनली द रीजन एंड सिंपल गोल इज दैट कि भाई जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है ना, जो हमने प्रॉब्लम फेस की थी, जो हमारे टाइम में कोई फैकल्टी बात नहीं करता, दिक्कत ये है कि यार बाकी सब फैकल्टी पढ़ा के चले जाते हैं, हम लोग यार आपको जब तक के आप अपना गोल अचीव नहीं करते हो, जब तक आप प्लेस नहीं होते हो, तब तक आपके साथ बैठे रहते हैं, राइट? तो वही है, आपको ये चीज समझना होगा कि जब लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ सकता है विदाउट अ पर्पस, बट प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू टू अचीव योर बिगर गोल एंड बिगर ड्रीम, व्हिच इज दैट यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड। आप चार्टर अकाउंटेंट बनोगे और कौन रोकेगा, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे और सटन में फोड़ के दिखाएंगे, देखते किस पता आपको रोक के दिखाने का, राइट? बढ़िया से पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, और हाँ रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, फोड़ के दिखाएगा सटन में।